अरे इधर आना, मेरे साथ खेल लेगा भाई, बैठ के नीचे घुस रहा है, खेल ही नहीं रहा मेरे साथ। सो गाइस ये ना बहुत ज्यादा शैतान हो गया, मतलब इतना छोटा सा है और बहुत शैतान है। क्यों परेशान कर रहा भाई? ओ तू बुड़के क्यों भरने लग गया? ओ भाई मम्मी से बुड़के मार दिए, देख पता नहीं क्या हो रहा है इसको, ठंडक ले रहा है ये। ओ ओ ओ मम्मी बच गई भाई, गिरती गिरती। जो गलत बात है तेरी, बस बस बस। ओ भाई बताऊ, ओ गुस्सा भी दिखाने लगे तो। सो गाइस मम्मी खाना लेके आ गई है। मम्मी आज मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। सच्ची? हाँ पता है वैसे क्या होते हैं 5 लाख सब्सक्राइबर? 5 लाख से ज्यादा लोग हो गए मेरी गैंग में। और गाइस तुम ना हर दूसरी कमेंट यही कमेंट कर रहे हो कि मैं ना डेली व्लॉग चालू कर दूं, उसका आंसर भी ना आज मैं क्यू एन ए में दूंगा जब सेलिब्रेशन करेंगे। बाबा जी आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? स्पोर्ट्स गाड़ी अच्छी लगती है, स्पेस ज्यादा हो मतलब। मम्मी आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? थार? आपको थार पसंद है? मतलब आपको अच्छी नहीं लगती थार? गाइस पापा को ना थार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मम्मी का आंसर है थार। वैसे गाइस सही लग रहा है मम्मी के मुंह से थार सुन के। तो गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ, आज खाने में चटनी रोटी और लस्सी। तो गाइस अभी मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खा के ना सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। रिया 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, आज सेलिब्रेट करें। सो गाइस अभी ना मैंने स्टोरी लगाई है इंस्टाग्राम पे, 5:30 बजे सब पार्क में मिलेंगे और पार्क में भी सेलिब्रेट करेंगे। अभी गाइस मैं चीनू को लेने जा रहा हूँ रिया के साथ। ठीक है चाचा भाई, बढ़िया एक्टिंग करी आपने GTA की। फाइनल ठीक लग रहा है ना? मस्त लग रहा है। सो गाइस शूज तो ले लिए हैं और अभी जा रहे हैं सीधा चीनू को लेने। हेलो चीनू। हेलो चिकी। जूते अच्छे लग रहे हैं? आज सेलिब्रेशन करेंगे मस्त, 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, पता होगा आपको तो। तो गाइस चाचा की ना डबल कॉन्ग्रेचुलेशन है क्योंकि चाचा के 2 अंगूठे हैं, 2 अंगूठों पे 2 नाखून भी है। क्लेचल। अच्छा कॉन्ग्रेचुलेशन भी आ। बोल कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं कोंग रेचु कॉन्ग्रेचुलेशन। किस चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन ये तो बता दे। आपका मेरा बर्थडे है। अरे यार। सो गाइस चीनू अभी कंघी कर रहा है। चाचा इसके बाल कैसे? कंघी भी नहीं होती। फौजी कटिंग करवा तू। नहीं नहीं नहीं। बाय पापा जी। और भाई बच्चों नए नए थोड़ी है, जूते पुराने हैं ये। शक्ल से दिख रहा है मेरी? अरे शक्ल पे लिखा है क्या मैं नई जूते पहन के आया हूँ? ये सही बोल रहा है। शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियाँ कितनी अच्छी होती हैं। तू बोल भाई, ये सही बोल रहा है। बाय। मम्मी जूते देखो कैसे हैं? जूते तो बढ़िया बेटा, पर कितने सारे तेरे पास में बता। कितने सारे कहाँ हैं मम्मी? थोड़े ही तो हैं। अरे बुड़का भर लेगा, परेशान मत कर इसको, छिंचन जैसी है। अरे तुम्हारे पास तो जोजो है। जोजो बहुत अच्छा लगता है, जोजो दुनिया का सबसे क्यूट बच्चा है। सो गाइस रिया तो मैगी बना रही है, भूख लग रही है तो मैगी खाएगी, खाना खा ले। मम्मी जोजो कहाँ है? ओए क्या कर रहा है यार? ओ उसको बोलो ना पंखे के मार दी। ये देख ये देख ये देख, ओ भाई ओ भाई चोट लग जाएगी, ऐसे मत कर, ऐसे मत करा कर इसके साथ। तो गाइस मैगी तो रिया ने बना दी है, कौन सी वाली लू बता? क्या करेगी? थोड़ी बच गई ना। ये देखो गाइस ये देखो बराबर की जा रही है मैगी, अभी पूरा हिसाब कर रही है बराबर मेरी। ये है देख लो मम्मी कैसे हिसाब कर रही है। तो गाइस अभी मैं खा रहा हूँ मैगी और मैगी खा के चलते हैं सीधा पार्क में, क्योंकि मैंने स्टोरी डाली थी कि भाई पार्क में मिलेंगे सब मिलके। तो चलो गाइस चलते हैं। और भाई कैसे हो? ठीक हो? सो गाइस पार्क में तो आ चुके हैं और भाई ये देखो हमारे लिए वेट कर रहे थे, कैसे हो भाई? और गाइस विवेक हमारे लिए केक लेके आया है, थैंक यू भाई। और गाइस मुकुल और शिट्टू भी केक लिए आए हैं, वो कितने सारे लिए आए। सो गाइस अभी ना केक काटेंगे भाई, कितने सारे बच्चे आ गए, अभी गदर मचाएंगे सारे मिलके। तो गाइस अंकल ना गुस्सा हो गए, भीड़ लगा रखी है भाई पार्क में। ओ ड्यूक ड्यूक। सो गाइस ये देखो ड्यूक भी आए हुए हैं यहां पे। हां ड्यूक बस ड्यूक कैसा?
unless you talking numbers we ain't speaking. So guys papa bhi aa gaye. Oh थैंक यू भाई। सो गाइस अभी ना केक काट रहे हैं, कोई हाथ लगाओ सारे। ओए ओ उसको Unless you talking numbers, we ain't speaking about the right things. Switch up on my good for a figure, that's not like me. Baddie with a body in the lobby, she like nice things. She used to know me then, she like me now, that's funny timing. Eyes been on that prize, I cop that crib on for that timepiece. I'm trying to see the globe and sell out shows until the flight leaves. They wanna ride my ties, but they ain't even ride or die, please. But I've been short on time, been in the prime of my prime easy. Said I never changed and leveled up. I guess I'm not a kid. Off that straight up. Talking to you way outside the line. Oh, against the tribunal. यार ये क्या किया तुमने? और तूने वो टी-शर्ट ही निकाल दी। आधे लोग तुम आ जाके छुप गए। केक खाने के लिए मंगाए थे यार। गाइस वो लोग ड्यूक को देखने के लिए खड़े हैं वहाँ पे। अरे कहाँ जा रहे हैं ये? ओ भाई भाग के सारे। गदर मचा दिया पूरे पार्क में। ठीक है विक्की भाई, बाय भाई, बाय। सो गाइस सेलिब्रेशन तो कर लिया है अपनी गैंग वाले भाइयों के साथ। अभी मामा की लड़की का कॉल आया, उनको लेने जा रहे हैं। जो जो को आगे रख लूं, डर लगता है इससे। अरे क्या हो गया? जो जो से डर रही है, दिखाई उस पर होने लग गई। जो जो तू बॉडी दिखा, तेरे से सब डर रहे हैं। तेरे को खुश होना चाहिए। कितना बेहतर। सो गाइस मम्मी भी आ गई है। सो गाइस बी टाउन तो आ गए हैं। ये देखो चीनू पहले ही पहुंच चुका, झूलने लग रहा है। ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे? यार ये केक कितना मस्त लग रहा है। किसने किया ऑर्डर? कैसे मस्त मस्त केक रिया ही बनवाती है। ओ भाई इतना मस्त केक, बढ़िया लग रहा है सब, है ना? ये नाम तो मिट गया इसका। जो जो केक देख रहे हैं तू कैसा है? ओ ये क्या है? ये आपके लिए प्लेयर गन। प्लेयर गन? ओ भाई चलाऊं इसको? चलाऊं मैं। ओ भाई 2000 रुपए मिले हमें, कपड़े खरीद लेंगे इससे। तो गाइस ये देखो मेरा क्या हाल कर दिया। खाना पड़ेगा आपको राम लड्डू। ले राम लड्डू खा, ले भाई राम लड्डू खा। सो गाइस ये है चांद, मेरे मामा का लड़का है। ये क्या है? राम लड्डू। सही बात है, राम लड्डू। ये क्या है भाई? राम लड्डू। जो जो देखे जा रहे हैं भाई, क्या हो रहा है? जो जो तो गाइस ये देखो। सो गाइस ये फैमिली खाना खा रही थी हमारे साथ, इनको ना जो जो बहुत पसंद आ रहा है। तो गाइस अभी हम खाना खा रहे हैं, हमने लिया है शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, रोटी। मस्त है जो जो, सबसे अच्छा भी है जो जो। सो गाइस अभी ना मस्त Q&A करेंगे और मस्त मस्त मैं क्वेश्चंस पिक करूंगा। सो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है, वी वांट डेली व्लॉग एट 8 AM, लक्ष्य ठाकुर बोल रहे हैं। तो गाइस मतलब ये कमेंट हर दूसरी कमेंट है, हर वीडियोस में मेरी भरी पड़ी है। सब बोल रहे हैं कि डेली व्लॉग बनाओ। मेरी एडिटिंग में ना 4-5 घंटे लगते हैं मेरे को डेली बनाने में, यू समझ लो 5-5 घंटे की एडिटिंग भी होगी और व्लॉग शूट करना भी होगा, आराम का टाइम ही नहीं मिलेगा। भाई कह रहे हैं कि 8 बजे डालना डेली। तो गाइस सबके सामने बोल रहा हूँ आज, जैसे ही मेरे 1 मिलियन हो जाएंगे ना, मैं डेली व्लॉग स्टार्ट कर दूंगा और रोज 8 बजे व्लॉग डालूंगा। भाई ज्यादातर कमेंट्स तो यही है, वी वांट डेली व्लॉग। कांग्रेट्स फॉर 5K सब्स भाई, डेली व्लॉग्स और सबसे हॉन्टेड व्लॉग आपके इलाके के। तो गाइस ये देखो हॉन्टेड व्लॉग तो भाई मैं बनाता रहूंगा बीच बीच में। सो गाइस चांद भी आ गया है, मामा का लड़का, प्रदीप नाम है वैसे, चांद बोलते हैं। गाइस मैं एक ही चीज देख रहा हूँ यार, सभी जगह मतलब डेली व्लॉग यही भरे पड़े कमेंट्स में, वी नीड डेली व्लॉग, डेली व्लॉग, डेली व्लॉग। 1 मिलियन के बाद गाइस डेली व्लॉग कर दूंगा मैं यार। सॉरी डेली व्लॉग है, देखियो Q&A में डेली व्लॉग भरा पड़ा है। हु वांट्स गोस्ट हंटिंग विद ड्यूक प्लीज। मैं हॉन्टेड जगह पे जितने भी डॉग्स को लेके गया हूँ ना, उन कैसे चिल्ला रही है भाई? ये तो बहुत फट्टू है भाई। तो गाइस अभी तक मैं जिस जिस कुत्ते को हॉन्टेड जगह पे लेके गया हूँ ना, जो मुझे ये भी लगते थे कि भाई ये संभाल में ही नहीं आएंगे, वो भी वीक पड़े। हर एक कुत्ता वीक पड़ गया हॉन्टेड जगह पे। ड्यूक का ना मुझे लगता है ये वीक नहीं पड़ेगा। ड्यूक बरेली का फर्स्ट प्राइज जीत चुका है। ड्यूक ने ना बहुत सारी फाइट्स वगैरह भी लड़ी है, वैसे मैंने अभी तक कोई फाइट्स वगैरह करवाई नहीं है। ड्यूक ने बहुत सारी फाइट्स लड़ी है, ड्यूक अभी तक किसी में भी नहीं हारा। इस चक्कर में भाई ड्यूक को संभालने में थोड़ा डर लगता है, कहीं भी बाहर वगैरह लेके जाता हूँ ना, दो दो पट्टे बांध के बाहर घुमाना पड़ता है।
के भी घुमाते ना फिर भी समझ में नहीं आता। तो भाई हॉन्टेड जगह पे ड्यूक को भी लेके जाएंगे, पर थोड़ा सा रुक के मैं इसको थोड़ा थोड़ा देखने लग रहा हूँ डेली। दूसरा, चीकी का रियल नेम क्या है? तन्वी नाम है उसका रियल नेम। कार्तिक कितने साल का है? 9 साल का ये। गाइस वैसे सारी ही कमेंट्स डेली व्लॉगिंग की है। चिनू तेरे को कैसा लग रहा है? हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस गुन्नू ककरन भाई बोल रहे हैं कि व्हेन यू आर अ चाइल्ड व्हाट यू वांट टू बिकम, मतलब जब मैं छोटा था ना मैं क्या बनना चाहता था, क्या बोलता था? आईपीएस। हां आईपीएस बोलता था। वो यही बोलता है, झूठ बोल रहा है ये ना, डेली कुछ ना कुछ अलग बोलता है। कभी कहता है मेरे को यूट्यूबर बनना है, कभी कहता है आईपीएस बनना है। मेरा अभी नहीं पता, अब पता ही नहीं है। एक अब पता ही नहीं है, कमाल है यार। मेरे को ना ये शौक है, अभी भी शौक है, पहले भी शौक था कि मैं ना जो रो के एजेंट्स होते हैं डिटेक्टिव वगैरह वो बनने का शौक बहुत ज्यादा था और अभी भी है भाई। क्राइम पेट्रोल वाला नहीं, मम्मी कह रही क्राइम पेट्रोल। अगला क्वेश्चन यही है, वी वॉन्ट डेली व्लॉगिंग, इफ यू स्टार्ट दिस वी विल सपोर्ट यू द मोस्ट। 1 मिलियन के बाद करने लग जाऊंगा, तो 1 मिलियन का टारगेट रखते हैं आज के बाद जल्दी से। योर फेवरेट कार? तो गाइस मेरी फेवरेट कार कौन सी है, आपकी कौन सी है? थार। मम्मी को थार पसंद है, तेरे को कौन सी पसंद है? रोल्स रॉयस, मतलब जो सबसे महंगी है वो बोल दो, है ना। यहाँ पे अपने इंडिया में चलते हैं उनमें से कौन सी फेवरेट है? फॉर्च्यूनर। सो गाइस फॉर्च्यूनर पसंद है मेरे को भी, फॉर्च्यूनर एंडेवर। मिनी कूपर, पर आपको कौन सी पसंद है? स्पोर्ट्स गाड़ी कोई हो अच्छी बढ़िया। पापा को तो एसयूवी गाड़ी पसंद है, इसमें फॉर्च्यूनर सबसे ऊपर है पापा के लिए भी। अगला, योर फेवरेट डॉग ब्रीड? सबसे बढ़िया तो केन कोर्सो है, जो फैनी दिखाया था मैंने, बाकी उसका पपी भी मैं ले सकता हूँ मई में। भाई प्लीज गो टू अ लॉन्ग ट्रिप, मैं लॉन्ग ट्रिप पे पक्का जाऊंगा और मेरा मन भी है। जैसे मूवी है ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें स्काई डाइविंग करता है, स्कूबा डाइविंग करता है, वो जो सांड पीछे लगते हैं वो भागते हैं ना, वो भी करना भाई मेरे, उसमें ना मम्मी कुछ भी दिक्कत हो सकती है मेरे को। 1 मिलियन के बाद मैं वो कर लूंगा। तो यही तो होता है, उसमें बचना होता है, सांड मार देते हैं। एसिड फ्री फायर बोल रहे हैं कि भाई 10th क्लास की बोर्ड की मार्कशीट दिखाओ। कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और कुछ में ठीक ठीक आए थे। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है या हल्दी है? कुछ नहीं है इनमें से भाई। पृथ्वी राज कांबले भाई पूछ रहे हैं कि ब्रो व्हेन यू आर बाइंग फैनी पप्पी, मतलब मैं फैनी का पप्पी कब खरीदूंगा? मैं पप्पी खरीदने नहीं वाला, मैं वैसे ही लूंगा, अडॉप्ट करूंगा, क्योंकि मुझे खरीदना अच्छा नहीं लगता, किसी की लाइफ है भाई। बहुत जल्दी लूंगा फैनी का पप्पी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है फैनी। भाई व्हाट इज योर रियल नेम एंड सरनेम? भाई मेरा रियल नेम नितेश है और सरनेम मैं लगाता नहीं हूँ। योर चैनल नेम आइडिया वू गेव, मतलब मेरे चैनल का आइडिया मुझे किसने दिया? भाई मेरे चैनल का आइडिया मुझे किसी ने भी नहीं दिया। मेरा नाम निकू है और मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो मैंने निकू व्लॉग रख दिया। बस मेरी क्रिएशन थी जेड, वो जेड मैंने लगाया और कई लोगों ने कॉपी करके मेरा आइडेंटिटी चेप दिया। इंसान को ना खुद दिमाग लगाना चाहिए कि भाई मैं ये करूं मैं वो करूं, खुद अपना दिमाग यूज ही नहीं करता, जो दिखाना है ऐसे कैसे ठाके लगा देता है, गलत है। भैया आपकी एज? भाई मेरी एज है 23 और कांग्रेचुलेशन फॉर 500K। तो थैंक यू भाई, तुमने ही किया है, तुम ही मेरे गैंग वाले भाई हो, तुम ही ने मेरे को ज्वाइन किया है, तुम्हें ही थैंक यू बनता है। सो गाइस जो मेन क्वेश्चंस थे ना वो तुमने पिछले Q&A में पूछ लिए थे। ऑफिशियल गेमिंग ने पूछा योर गर्लफ्रेंड नेम इज? कुछ नहीं, झूठ नहीं बोलते वीडियो रिकॉर्डिंग में। आदि बग्गा ने पूछा चीनू इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों रहता है? ये गाइस ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, किसी की सुनता नहीं। गाइस कमेंट में बताना कुछ ऐसा जिससे ये सुधर जाए। विल यू चेंज ड्यूक्स नेम, मतलब ड्यूक का नेम आप चेंज करोगे? वैसे मेरे दिमाग में आया तो था, पर भाई उसका नाम उसको पता है, बाकी उसका नाम बेस्ट भी है। ड्यूक से अच्छा कोई नाम है उसके लिए? ड्यूक से अच्छा कोई नाम ही नहीं है भाई, जिससे मैं लाया हूं ना उसने बहुत बेस्ट नाम रख रखा है इसका, और मेरे को नाम ही बहुत ज्यादा पसंद है ड्यूक का। सो गाइस वैसे तो लगभग सारी क्वेश्चंस का मैंने आंसर दे दिया है। वैसे तो ज्यादातर डेली व्लॉग्स की कमेंट्स आ रखी है, 1 मिलियन के बाद मैं डेली व्लॉग स्टार्ट कर दूंगा। और वैष्णो देवी कौन कौन चलेगा तुम में से? वैष्णो देवी सभी चलेंगे। तो गाइस वैष्णो देवी का भी मैं बहुत ज्यादा वेट कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी ने बोल रखा है, और हम ना भाई मस्त तरीके से जाएंगे और मस्त वहाँ पे चढ़ाई करेंगे, मस्त घूमेंगे। सो गाइस वैसे तो अभी 10 बज चुके हैं, ये काफी ज्यादा लेट हो रहे हैं सब। तुम सबको एक ही बात बोलूंगा भाई, थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, और 1 मिलियन कब होंगे ये भी देखना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निक्कू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर। ये क्या है, ये क्या है?